सिद्धार्थनगर पुलिस के लिए सरदत बनाम मनीष शुक्ला हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पाने के कारण पुलिस की किरकिरी चारों तरफ हो रही है। लगभग एक माह पूर्व हुई इस हत्याकांड के खुलासे नहीं हो पाने की वजह से पीड़ित परिवार आमरण अनशन पर बैठा रहा। आज इस आमरण अनशन को तोड़ने के लिए जिले के ASP पहुंचे, किसी तरह समझा बुझाकर परिजनों को मनाया, सात हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर खुलासे की बात कही। आपको बताते चले कि मनीष हत्याकांड के विरोध में 27 फरवरी से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे मृतक के मामा रविंद्र मिश्रा, जो 25 लाख का मुआवजा और CBI जांच की मांग कर रहे थे, साथ ही मनीष के हथियारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जिसकी सूचना पाकर एडिशनल SP अरविंद कुमार मिश्रा पहुंचकर उनकी मांगों को लेकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर उनकी बात पर अधिकारियों तक पहुंचने की बात कहकर अनशन तुड़वा कर निष्पक्ष जांच की बात कही है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि मनीष कांड का जांच CBI के द्वारा कराई जाए, देखना यह होगा कि कब तक मिल पाएगा इस परिवार को आखिर न्याय। दिनों से आप आमरण अनशन कर रहे हैं अपने बेटे को लेकर के, आपकी मांगे क्या हैं? मांगे हमारी प्रथम CBI से जांच कराई जाए, क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि के दबाव में अभी तक 1 माह 8 दिन हो गया, कोई खुलासा नहीं हुआ इस हत्या का। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि का दबाव बना रहा, क्योंकि उनका एक रिश्तेदार भी इसमें आ रहा है, तो अब पुलिस कुछ कर नहीं पाई। 1 माह 8 दिन हो गया, तो अब हमको लगा कि CBI से ही न्याय मिल पाएगा, इसलिए जो है हमने CBI जांच के लिए यहाँ आमरण अनशन पे बैठे। कोई अधिकारी आपसे संपर्क किया आज 5 दिन? पुलिस अधीक्षक महोदय और ये अरिशल महोदय आए, ये तो कई बार आए, लेकिन ये काम जिलाधिकारी महोदय को आज तक जो है, जिस दिन उस लड़के का हमारे पोस्टमार्टम हो रहा था, तो उस दिन संजोग था भाई, लड़का उनका है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, जहाँ विधायक जी हमारे डांस कर रहे थे, जिन्होंने दावत जिनके दावत में लड़का गया था, हत्या हो गई। और आज अब 5-7 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, जिलाधिकारी महोदय का यहाँ कोई मैसेंजर नहीं आया, ना स्वयं आए, ना उन्होंने हालचाल दिया कि मेरे प्रांगण में क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा निरंकुश DM तो मैं समझ रहा हूँ कि आज तक नहीं देखा मैंने। अनशन स्थल पे कलेक्ट्रेट में आप आए हैं, पिछले 5 दिन आमरण अनशन पे थे, आज आप आए हैं, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, आमरण अनशन के पूर्व भी इनसे बात हुई थी, DIG महोदय आए थे, उनसे भी इनकी बात हुई थी, और उसके बाद भी हमने पूछा कि भाई आप आमरण अनशन क्यों करना चाहते हैं, तो वो अलग विषय है, इन्होंने कुछ बातें बताई, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये सबका अपना एक अधिकार है, लोकतंत्र है, सबका अपना अधिकार है करने का। जहां तक विवेचना और मनीष के संदर्भ में जो विवेचना प्रचलित है, उसमें हम पूरे साक्ष्य एवं गुणदोष के आधार पर विवेचना संपादित करेंगे। किसी निर्दोष को जेल भेजना उचित नहीं है और हम ये काम करेंगे भी नहीं। जहां तक इनका प्रश्न है CBI से जांच कराई जाए, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये एप्लीकेशन ज्ञापन दें, जो सक्षम अधिकारी हों उनके माध्यम से आगे बात बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि नहीं, CBI से नहीं है, हमको किसी अन्य जिले से करा दी जाए, तो ये दे दें। हमने इनसे कहा है, हम पूरी जांच निष्पक्षता से हम अपनी तरफ से अग्रसारित कर देंगे, हम अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, साक्ष्य एवं गुणदोष के आधार पर विवेचना निस्तारित कर रहे हैं, फिर भी अगर इनको विश्वास नहीं है जिले पर, तो हम संस्तुति सहित तो उसको वहां भेज देंगे, जो ऊपर के अधिकारियों का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। इनका कहना तो यही है कि हम आमरण अनशन तोड़ रहे हैं, चिकित्सकों से इनका भी परीक्षण करा दिया है गया है, चिकित्सक जैसी राय देंगे, क्योंकि उसके एक्सपर्ट वही है, वही कार्रवाई जो होना होगा वो होगी, और ये इनका निर्णय है। आमरण अनशन उन्होंने कहा कि हम आपको दे रहे हैं, हम समाप्त कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फोन नंबर दे दूंगा, उसका कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, कहीं भी इनको भी बुलाया गया था, इन्होंने केस डायरी को और पूरे प्रयास को देखा है, और इन्होंने आपके सामने स्वयं ही कहा अभी कि मुझे एडिशनल SP पे कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो इस पे आगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से ओम प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।